Hello, hi, welcome to STATE Computer Science 2019. This is part 2 of Fundamentals of Computer. इसमें मैंने 25 MCQs cover किए हैं, तो total part 1 and part 2 मिलाकर 50 MCQs हो गए हैं. और भी parts आएंगे इसके, क्योंकि Fundamentals of Computer से 15 to 20 question expect किए जा सकते हैं. चलिए आइए देखते हैं first question. ये 26th नंबर क्वेश्चन है. द टेंजिबल पार्ट और फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच वी कैन सी और टच इज कॉल्ड. टेंजिबल मीन्स वो फिजिकल पार्ट जिसको हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं. और इनटेंजिबल मीन्स क्या होता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते हैं ना देख सकते हैं. तो वो कौन सा टेंजिबल पार्ट है जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, हार्डवेयर. 27th नंबर क्वेश्चन. द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड CPU. इट कंटेन्स थ्री मेन पार्ट्स. विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ CPU? ALU, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, ऑल ऑफ दीज. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज. Arithmetic functions of the ALU include add, subtract, divide, multiply or all. तो इसका करेक्ट आंसर होगा all. ALU stands for arithmetic and logic unit. तो arithmetic and logic unit में ये सारे operations होते हैं, add, subtract, divide and multiply. Now next question. Peripherals of computer are a part of CPU, output devices only, input devices only, input, output and secondary storage devices. तो इसका correct answer होगा input, output and secondary storage devices. जो भी हम अपने PCs या laptop से connect करते हैं, जैसे mouse, keyboard, anything, तो उसको क्या बोलेंगे? Peripherals of computer बोलेंगे. Now next question. Compare is a arithmetic function of the ALU, input output function of the ALU, logical function of the ALU, all. तो इसका correct answer होगा logical function of the ALU. Logical function में क्या होता है? Compare, compare means equal to, greater than, less than, ये सब हो गया. तो ये सब किस में परफॉर्म होता है? लॉजिकल फंक्शन ऑफ द ALU. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. स्पेशल पर्पस हाई स्पीड टेम्पररी मेमोरी यूनिट इज कॉल्ड सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रजिस्टर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा रजिस्टर. Now next question. The location of a particular piece of data in system is called address, data location, storage unit, none. तो इसका correct answer होगा address. Okay. Now next question. Part of computer that gives instructions to ALU, register and input output devices for what to do and when to do is called control unit, memory, register, none. तो इसका करेक्ट आंसर होगा control unit. CPU में जो मेन तीन पार्ट्स होते हैं, ALU, control unit और memory, तो उसमें ALU का क्या काम हो गया? Arithmetic and logic unit. वो क्या करता है? Arithmetic and logical operations को perform करता है. Control unit क्या करता है? ALU और memory को कंट्रोल करता है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस को मैनेज करता है, और मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बस दैट कनेक्ट टू ऑल द थ्री कंपोनेंट्स CPU, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज कॉल्ड. CPU में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं,
अपने सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सीपीयू, मेमोरी, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, वो सारे एक बस से कनेक्टेड होते हैं जिसके थ्रू डेटा पास होता है। उस बस के थ्रू उसको क्या बोलते हैं? डेटा बस, सिस्टम बस, लाइन बस, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिस्टम बस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, साइज ऑफ अ प्राइमरी मेमोरी ऑफ अ पीसी रेंज बिटवीन, प्राइमरी मेमोरी का साइज का रेंज क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 256 KB टू 640 KB, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी, वोलेटाइल मीन्स टेम्पररी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा PROM, RAM, ROM, EPROM, तो इसका करेक्ट आंसर होगा RAM। नाउ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ PROM? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM, रीड ओनली मेमोरी, EPROM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सारे क्या है? टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी है, नॉट सेकेंडरी मेमोरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बायोस? बिजनेस इनपुट आउटपुट सर्विस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस एंड नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी दैट स्टोर फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा इज कॉल्ड कैशे मेमोरी। ओके, अब थोड़ा सा यहाँ पे कैशे मेमोरी को मैं एक्सप्लेन करती हूँ। कैशे मेमोरी क्या होता है? वेरी हाई स्पीड और एक्सपेंसिव पीस ऑफ मेमोरी होता है। ये क्यों यूज़ किया जाता है? ये मेमोरी रिट्रीवल प्रोसेस के स्पीड को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, और ये किस टाइप के डेटा को होल्ड करता है? तो जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस्ड डेटा होता है उसको होल्ड करता है। जैसे आप एग्जांपल से समझो कि कोई पर्सन है P1, वो लाइब्रेरी जाता है किसी बुक के लिए और डिमांड करता है, तो लाइब्रेरियन क्या करेगा? उस बुक को पूरे लाइब्रेरी में सर्च करेगा, फिर उस बुक को P1 को डिलीवर करेगा, फिर P1 क्या करेगा? उस बुक को कुछ दिन बाद रिटर्न करेगा लाइब्रेरी में। फिर एट ए टाइम P2 उसी बुक के लिए लाइब्रेरी जाता है, और तब तक बुक जो है लाइब्रेरियन के टेबल पे ही रखा हुआ है, तो लाइब्रेरियन क्या करेगा? तुरंत उस बुक को P2 को डिलीवर कर देगा। तो इससे क्या हुआ? जो सर्चिंग टाइम है लाइब्रेरियन का वो बचा। तो इससे क्या होगा? वैसे ही है कैश मेमोरी में क्या है? जो फ्रीक्वेंटली एक्सेस डेटा है वो रखा होल्ड किया जाता है, उसमें क्या है? सर्चिंग टाइम बचता है। सर्चिंग टाइम बचने से क्या होता है कि कंप्यूटर की एफिशिएंसी बढ़ती है और उससे स्पीड बढ़ता है। ओके, और कैशे मेमोरी 3 लेवल्स में होते हैं, L1 कैशे, L2 कैशे एंड L3 कैशे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिकोडिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉम्प्लिकेटेड एंड टाइम कंज्यूमिंग इन डैश टाइप्स ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा CISC, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ओके, ये CISC और RISC दोनों का फुल फॉर्म आप लोग देख लेना, और ये दोनों क्या है? इंस्ट्रक्शन सेट का टाइप है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SIMM? सिंपल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल, सिंगल इनलाइन मेमोरी मार्केट, नन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सिंगल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
बाइनरी नंबर सिस्टम इंक्लूड्स 0 to 9, 0 to 1, 0 to 7, 0 to 9 एंड 8 to F। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी 0 to 1। ये क्या है, ये ऑक्टल नंबर है 0 to 7, ये डेसिमल नंबर है 0 to 9, और ये 0 to 9 एंड 8 to F हेक्साडेसिमल नंबर है। और बाइनरी नंबर में सिर्फ दो ही डिजिट होते हैं 0 and 1, जो हमारा सिस्टम समझता है, ओनली 0 and 1। जैसे मान लीजिए हमें 2+2 करना है, तो हम लोग को क्या दिखेगा, 2+2 = 4। बट सिस्टम ये 2+2 को इस तरह रिप्रेजेंट करता है, 10+10 = 4 का ये बाइनरी नंबर हो गया 100। और ये बाइनरी डिजिट निकलता कैसे है, तो जैसे देखिए यहाँ 2 है, तो इसको क्या करेंगे, कोई भी नंबर यहाँ रहे जिसका भी बाइनरी डिजिट निकालना है तो उसको सिर्फ और सिर्फ 2 से डिवाइड करते हैं। तो 2 1 जा 2, और 2 - 2 = 0, तो क्या हो गया, 2 का बाइनरी कोड 10, ऐसे लिखते हैं। फिर 2 का 10 और 4, जैसे यहाँ 4 है, तो कोई भी नंबर हो, क्या बोले थे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो 2 2 जा 4, 4 - 4 = 0। ओके, फिर इसको डिवाइड करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 2 - 2 = 0, और इसको ऐसे लोअर टू अपर रिप्रेजेंट करेंगे 100। ये 4 का बाइनरी कोड हो गया। ये बाइनरी कन्वर्जन और डेसिमल कन्वर्जन मैं कवर करूँगी, ये अभी जस्ट एक एग्जांपल है बाइनरी नंबर का। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB, यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सर्विस बस, यूनिवर्सल सीरियल बिजनेस, नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ओके, 42। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ जनरल पर्पस कम्युनिकेशन पोर्ट थ्रू विच डेटा इज पास्ड स्लोली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, PS/2 पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट्स, पैरेलल पोर्ट्स और USB। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरियल पोर्ट्स। ये सारे पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं सिस्टम में, PS/2 पोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं कीबोर्ड और माउस ये सब को कनेक्ट करने के लिए हमारे सिस्टम से। सीरियल पोर्ट क्या करता है, 1 बीट एट ए टाइम पास करता है डेटा। पैरेलल पोर्ट क्या करता है, मल्टीपल बीट्स को पास करता है एक समय में। ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कोडिंग सिस्टम आर ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म। ये जरूर से ज़रूर आप लोग याद करना, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सेकंड है यूनिकोड, सी में बोथ, डी में नन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ, ये दोनों कोडिंग सिस्टम यूज़ किए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ रजिस्टर दैट कीप्स ट्रैक ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन काउंटर, एक्यूमुलेटर एंड डेटा रजिस्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोग्राम काउंटर। ये जितने भी है ये रजिस्टर के पार्ट्स हैं। रजिस्टर का जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें ये सब मिलेगा, प्रोग्राम काउंटर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, सबका अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। जिसमें प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, CPU प्रोसेसर जो है अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कौन सा एग्जीक्यूट करेगा उसको होल्ड करके रखता है प्रोग्राम काउंटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 46, इन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस इन एन इंस्ट्रक्शन साइकिल द फर्स्ट साइकिल इज, इंस्ट्रक्शन साइकिल में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होता है तो उसमें फर्स्ट साइकिल कौन सा होता है, स्टोर साइकिल, एग्जीक्यूट साइकिल, फेच साइकिल एंड डिकोड साइकिल। तो इसका करेक्ट आंसर है फेच साइकिल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन,
an expansion card that allows the computer to put to output sound through connected speaker. Output sound means output में कुछ भी हो सकता है, sound, video, audio, anything. तो इसका correct answer क्या होगा? Video card, network interface card, PC card and sound card. इसका correct answer हो गया sound card. जब भी हम अपने system से speaker को connect करते हैं तो हमारे processor में sound card रहना जरूरी है, तभी वो output as a sound देगा. और ये expansion cards हम लोग क्यों use करते हैं? ये additional capabilities जो है computer system को provide करता है. Expansion card जैसे video card हो गया जिससे हम लोग video graphics ये सब देख सकते हैं. Network interface card हो गया जिससे हम अपने PC को network से connect कर सकते हैं. PC card हो गया और sound card हो गया. Now next question, a storage that supplements the primary internal storage of a computer is. सबको पता है जो storage memory होता है वो दो part में होता है. एक हो गया primary memory और एक हो गया secondary memory. Okay, तो primary storage को primary memory को जो supplements देता है वो कौन सा होगा? सेकेंडरी स्टोरेज होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू. कैशे मेमोरी आर बिगर देन रैम. कैशे मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम. रोम इज फास्टर देन रैम. इंफॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटेन बाय यूजर. तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैशे मेमोरी आर स्मॉलर देन रैम, क्योंकि कैसे मेमोरी बहुत ही एक्सपेंसिव होता है तो ये बहुत ही छोटा मेमोरी होता है हमारे सीपीयू में, तो ये रैम से छोटा होता है. और रैम और रोम डिफरेंट थिंग्स हो गया, दोनों मेमोरी के ही पार्ट्स हैं बट डिफरेंट हैं, तो इसको ये कंपैरिजन करना बेकार है. और इन्फॉर्मेशन इन रोम कैन बी रिटेन बाय यूज़र, नो, क्योंकि रोम में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, यूजर उसमें कुछ भी एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं कर सकता है. तो ए सी डी तीनों रॉन्ग है, बी करेक्ट है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्स्ट एडिटर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. नन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं. ओके, एक हो गया सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारा क्या आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम, जो भी हो, एक्सपी हो, विंडोज 7 हो, वो आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एमएस ऑफिस, एमएस डॉस, ये सब आता है. और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो भी हम लोग खुद से डाउनलोड करते हैं सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आता है. सो ये रहा 25 एमसीक्यूज और उसके ये सारे आंसर्स मैंने नेक्स्ट स्लाइड में ऐड किए हैं. तो आप लोग पहले खुद से सॉल्व करना मॉक और उसके बाद फिर आंसर्स मिलाना. ओके, तो ये सेशन आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, तब मैं नेक्स्ट पार्ट फिर अपलोड करूँगी जल्दी ही. और कुछ लोग बुक के बारे में पूछ रहे थे कि मैम कौन सी बुक पढ़नी चाहिए. तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के लिए मैं सफिशियंट मॉक करा रही हूँ और भी मैं सिलेबस कवर करूँगी, लेकिन एक बुक आप लोग, जैसे अरिहंत की एक बुक आती है हैंडबुक सीरीज़ में कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, बहुत ही छोटी बुक है, 200 की ये बुक है, आप लोग ये बुक ख़रीद लेना क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए गए हैं, जो बेस्ट बुक है कंप्यूटर साइंस टीचर
कि सिलेबस को कवर करने के लिए। तो ये बुक आप बेस्ट बुक नहीं बोल सकते हैं, बट ये बुक आप लोग ज़रूर बाय करना, अरिहंत की है ये, कंप्यूटर साइंस एंड आईटी। ओके, तो चलिए, अगर आप लोग को थोड़ा भी सेशन ये पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।